हेलो गाइज, मैं खुशी। वेलकम टू द न्यूज टॉक चैनल। हर दिन की नई खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिसकी वजह से आप और हम साथ में जुड़े रहें और आप तक हम नई नई न्यूज पहुंचा पाए। तो चलिए आज की न्यूज शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अगर आप ही इंडियन क्रिकेट टीम के फैन हैं तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें। विश्व कप 2019 में बर्मिंघम के एजबेस्टन में भारत बांग्लादेश का मुकाबला खेला जा रहा है। इस मैच में भारत ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया। आपको बता दें कि भारतीय रन बांकुरों ने 44 ओवर्स के बाद 4 विकेट के नुकसान पर 277 रन बना लिए हैं। MS धोनी और ऋषभ पंत क्रीज पर मौजूद हैं। भारतीय टीम के लिए पहले बल्लेबाजी करने का फैसला सही रहा और टीम के दोनों सलामी बल्लेबाजों ने पहले विकेट के लिए 180 रन जोड़ दिए। बेहतर ही शानदार फॉर्म में चल रहे उपकप्तान रोहित शर्मा ने इस मैच में अपने बल्ले का दम दिखाया। रोहित शर्मा ने मात्र 92 गेंदों में 104 रनों की बेहतरीन शतकीय पारी खेली। रोहित ने अपनी पारी में 7 चौके और 5 गगनचुंबी छक्के भी लगाए। सबसे खास बात तो ये रही कि इस टूर्नामेंट में हिटमैन रोहित शर्मा का 4th शतक रहा। भारतीय टीम को उसके सलामी बल्लेबाजों ने संयमित शुरुआत दिलाई। रोहित अभी 9 रन के स्कोर पर ही पहुंचे थे कि 5वें ओवर में तमीम इकबाल ने उनका एक आसान कैच छोड़ दिया। इसका खामियाजा बांग्लादेश को हिटमैन के 4th शतक के रूप में भुगतना पड़ा। रोहित ने अपने करियर का 26वां शतक ठोका। अपनी 104 रन की पारी में रोहित ने 92 गेंदों में 7 चौके 5 छक्के जमाए। इसके बाद केएल राहुल भी एक गैर जिम्मेदाराना शॉट मारकर आउट हो गए। केएल राहुल को रुबेल हुसैन ने 77 के स्कोर पर चलता किया। विराट कोहली लगातार 6ठे मैच में अर्धशतक नहीं लगा सके, वे 26 रन बनाकर आउट हुए। रोहित इस वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के डेविड वार्नर को पीछे छोड़ दिया। वार्नर ने 8 पारियों में 516 रन बनाए थे। रोहित के 7 पारियों में 544 रन हो गए। कप्तान विराट कोहली ने बताया कि उन्होंने टीम में 2 बदलाव किए हैं। कुलदीप और केदार जाधव को जगह नहीं मिली, उनकी जगह भुवनेश्वर कुमार और दिनेश कार्तिक खेल रहे हैं। तो कैसी लगी आपको ये खबर, कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।